चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत वर्सेस पाकिस्तान का लाहौर में होगी टक्कर जी हां आपने बिल्कुल ठीक सुना सही सुना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी ने आईसीसी को पूरी रूपरेखा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की सबमिट कर दी है सौंप दी है अगर हम बात करें इस रूपरेखा की तो वहां पर ग्रुप विभाजित कर दिए गए हैं कि किस ग्रुप में भारतीय टीम रहेगी कौन कौन से ग्रुप रहने वाले हैं और किस ग्रुप में कौन कौन सी टीमें हैं उसके अलावा इस रूपरेखा में आईसीसी को पीसीबी ने यह भी बताया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के सभी के सभी मुकाबले लाहौर में आयोजित कराए जाएंगे भारतीय टीम सेमीफाइनल में अगर पहुंचती है तो उस हिसाब से सेमीफाइनल का शेड्यूल बदला जाएगा फाइनल में पहुंचती है तो फाइनल का शेड्यूल बदला जाएगा सब कुछ आईसीसी ने सबमिट कर दिया है पीसीबी ने आईसीसी को सबमिट कर दिया यह बता दिया कि कब से कब तक मुकाबले होंगे फाइनल कब होगा रिजर्व डे कहां रखा जाएगा सब कुछ तो अपने इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं कि पीसीबी के अनुसार जो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल तय किया गया है वो क्या है कब चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होने वाला है किस स्टेडियम पर चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा उसके अलावा भारतीय टीम अपने सारे मुकाबले कहां खेलेगी भारत वर्सेस पाकिस्तान का टक्कर कहां पर होने वाला है और भारतीय टीम किस ग्रुप में है उसके साथ अन्य कौन सी टीमें हैं विस्तृत ढंग से पूरे तफसील से आपको चैंपियंस ट्रॉफी की रूपरेखा बताएंगे जो पीसीबी ने तय कर रखी है उसके अलावा यह भी समझाएंगे कि आखिरकार भारतीय टीम पाकिस्तान जाएगी कि नहीं जाएगी और अगर जाएगी तो कहां खेलेगी नहीं जाएगी तो क्या होने वाला है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब हां फेसबुक पेज में अगर पेज पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा अब बात करते हैं पी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी की तो उन्होंने आईसीसी को अपना चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल सबमिट कर दिया है आईसीसी के चेयरमैन से उनकी मुलाकात हुई उस मुलाकात में सब कुछ उन्होंने बता दिया है कि ये रूपरेखा है कुल पंद्रह मुकाबलों का शेड्यूल उन्होंने आईसीसी को बताया है यानी कुल पंद्रह मुकाबले चैंपियंस ट्रॉफी दो में होने वाले अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की आगाज की बात करें तो 19 फरवरी को इसका आगाज होगा 9 मार्च को फाइनल खेला जाएगा 10 मार्च को रिजर्व डे रखा गया है किसके द्वारा पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी द्वारा अगर यही शेड्यूल फॉलो किया जाता है तो इसी के अनुसार पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी दो आयोजित होने वाला है अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप ए में भारतीय टीम है उसके साथ पाकिस्तान है न्यूजीलैंड है बांग्लादेश है ये चार टीमें हैं अगर हम ग्रुप बी की बात करें तो वहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इंग्लैंड और अफगानिस्तान टीम दिखने वाली है यानी कि आठ जो टोटल टीमें हैं दो ग्रुप में विभाजित हैं भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में है उसके साथ बांग्लादेश और न्यूजीलैंड भी देखने को मिलेगा वहीं ग्रुप बी की बात करें तो वहां पर ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका इंग्लैंड और अफगानिस्तान टीम है तो ये दो ग्रुप्स बच चुकी हैं और अगर इसी के हिसाब से मुकाबले होते हैं तो इन दो ग्रुपों का यही समायोजन होने वाला है इसी तरीके की ग्रुप दिखेगी और ये ग्रुप बदलने वाला भी नहीं है क्योंकि ग्रुप के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा अगर बीसीसीआई नहीं जाती है तो सिर्फ और सिर्फ वेन्यू और शेड्यूल के साथ छेड़छाड़ हो सकता है टाइमिंग के साथ छेड़छाड़ हो सकता है वहीं मोहसिन नकवी ने अपने उस लेटर में यह भी लिखा है कि भारतीय टीम के सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारे के सारे मुकाबले लाहौर में आयोजित कराए जाएंगे भारतीय टीम अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है तो लाहौर में उनका सेमीफाइनल कराया जाएगा भारतीय टीम अगर फाइनल में खेलती है तो लाहौर में फाइनल कराया जाएगा वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शेड्यूल में लाहौर में ही फाइनल मुकाबला पीसीबी कराने की सोच रही है भारतीय टीम पाकिस्तान से जिस भी दिन भिड़ेगी क्योंकि डेट अभी फाइनल नहीं हुआ है कि किस दिन भारत वर्सेज पाकिस्तान का होगा जिस दिन भी भिड़ेगी वो लाहौर में भिड़ेगी उसके अलावा अगर सेमीफाइनल में पहुंचेगी तो लाहौर में खेलेगी और फाइनल तो 9 फरवरी को होने वाला है वो भी लाहौर में ही होगा अगर हम पहले मुकाबले की बात करें तो पहला मुकाबला जो होने वाला है वो कराची स्टेडियम में यानी कि चैंपियन श्रॉपी दो का आगाज कराची स्टेडियम में कराया जाएगा उसके अलावा अगर हम बात करें तो सात मैचेज लाहौर में तीन मैचेज कराची में और पांच मैचेज रावलपिंडी में खेले जाएंगे ये कुल पंद्रह मुकाबले होंगे चैंपियंस ट्रॉफी दो में इसमें सेमीफाइनल फाइनल के भी मुकाबले सम्मिलित हैं लाहौर स्टेडियम में सात मुकाबले खेले जाएंगे लेकिन इस शेड्यूल में जो सबसे बड़ा पेच अभी तक फंसा हुआ है आखिरकार यही शेड्यूल फाइनल होता क्योंकि है क्योंकि पीसीबी ही होस्ट है मगर जो सबसे बड़ा पेज फंसा हुआ है वो ये कि बीसीसीआई ने अभी सहमति नहीं दी है बीसीसीआई ने अभी पीसीबी को हामी नहीं भरी है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी ही आएगी यानी अभी भी असमंजस जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी किसी भी बोर्ड को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इस देश में आना ही आना है अगर उस बोर्ड का गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रहा है गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं है तो फिर वो टीम नहीं आएगी उसमें आईसीसी कोई भी हस्त छेप नहीं कर सकता यानी कि भारतीय गवर्नमेंट बीसीसीआई को अलाउ नहीं करती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो आईसीसी कुछ भी नहीं कर सकता पीसीबी कुछ भी नहीं कर सकता और आपको पता है कि बीसीसीआई अगर बाइकआउट कर देगी तो फिर यह टूर्नामेंट भी आयोजित नहीं हो पाएगा यानी कि अगर बीसीसीआई हामी नहीं भरती है तो फिर से एक बार हाइब्रिड मॉडल पर यह चैंपियंस ट्रॉफी दो हजार पच्चीस होने वाला है ये जो पीसीबी द्वारा मोहसिन नकवी जो उनके चेयरमैन है उनके द्वारा ये जो पूरा का पूरा रूपरेखा सबमिट किया गया है ये धरा का धरा रह जाएगा और हाइब्रिड मॉडल के अनुसार एक बार फिर से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की रूपरेखा तय की जाएगी हालांकि पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मुकाबले को छोड़ दे सारे के सारे मुकाबले पाकिस्तान में आयोजित कराए जाएंगे क्योंकि और सभी बोर्डों ने हामी भर दी है सभी बोर्डों ने कह दिया कि वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार हैं सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई ने अभी हामी नहीं भरी है तो बीसीसीआई अगर राजी नहीं होता है तो भारत के सारे मुकाबले या तो श्रीलंका या तो यूएई में कराए जाएंगे जिस तरीके से आपने देखा कि आ, कौन सा मुकाबला हुआ था एशिया कप एशिया कप जैसे हुआ था हाइब्रिड हाइब्रिड मॉडल के आधार पर उसी तरीके से यह चैंपियन ट्रॉफी दो हजार पच्चीस खेला जाएगा देखना दिलचस्प रहेगा कि बीसीसीआई आखिरकार ये फैसला कब लेता है गवर्नमेंट क्लियरेंस कब उसका होता है और आईसीसी को उस हिसाब से वो कन्वे करते हुए नजर आएंगे अगर हाइब्रिड मॉडल में मुकाबला होता है तो भारत के सारे मुकाबले श्रीलंका में होंगे भारतीय टीम सेमीफाइनल पहुंचेगी तो श्रीलंका फाइनल में भारतीय टीम पहुंचेगी तो श्रीलंका या यूएई अगर भारतीय टीम नहीं पहुंचती है तो फिर फाइनल पाकिस्तान में ही आयोजित करा जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भैया आप क्या चाहते हैं भारतीय टीम पाकिस्तान ट्रैवल करे मुकाबला खेले या फिर वो न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेले मिलते हैं अगले रिपोर्ट में तब तक आप अपना ध्यान दें सुरक्षित रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें जय हिंद जय भारत अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें